नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर केके नॉलेज। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग माय जियो ऐप से जियो के नंबर की कॉल डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होती है, एक ऐप को डाउनलोड कर लेना होता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर माय जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना होता है। फ्रेंड, जैसे आप प्ले स्टोर पर माय जियो ऐप सर्च कर देते हैं, आपको वहाँ पर फर्स्ट में देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, इसकी यहाँ पर देखिएगा 21 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना होता है। ओपन करने के पश्चात फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है जिस नंबर की आप कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं। ये देखा दोस्तों, मैं अपने नंबर की कॉल डिटेल निकालना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। इसके पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो कि लॉगिन देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर टैप कर देना है। इससे दोस्तों, आप यहाँ पर लॉगिन पर टैप कर देते हैं, आपके सामने कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलता है, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना होता है। इससे दोस्तों, आप यहाँ पर परमिशन अलाउ कर देते हैं, आपके सामने ओटीपी आता है। दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर टैप कर देना है। इससे दोस्तों, आप यहाँ पर आपका ओटीपी फिलअप हो जाता है। एंड दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड पर टैप कर देना होता है। फ्रेंड्स, आपको फिर से यहाँ पर अलाउ कर देना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रोसीड एंड दोस्तों जो भी परमिशन अलाउ करने के लिए बोले, आपको अलाउ कर देना होता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो कि सर्च बार देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर टैप कर देना है। सर्च बार में टैप करने के पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च बार में देखिएगा लिखना होता है कॉल डिटेल्स। कॉल डिटेल्स लिखने के पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च कर देना होता है, डन कर देना होता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है चेक माय यूजेज, आपको दोस्तों इस पर टैप कर देना होता है। जिससे दोस्तों, आप इस पर टैप कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर प्रोसीड पर टैप कर देना होता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। दोस्तों, आपको पहले ही बताया है, अगर प्रोसीड के लिए बोलता है तो प्रोसीड कीजिएगा, या दोस्तों कोई परमिशन अलाउ करने के लिए बोलता है तो उस परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा। इसके पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डाटा का, कॉल का एंड दोस्तों एसएमएस का। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कॉल की डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कॉल्स पर टैप कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा रिसेंट में यहाँ पर कोई भी कॉल डिटेल्स नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर एक महीने या उससे ज्यादा की कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो कि देखने को मिल रहा है डू यू वांट टू व्यू प्रीवियस यूजर स्टेटमेंट, आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के पश्चात फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो जाते हैं, 7 डेज का, 15 डेज का एंड दोस्तों यहाँ पर 30 डेज का। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 7 दिन की कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं तो 7 दिन पर टैप कीजिएगा। अगर दोस्तों, आप यहाँ पर 30 डेज की निकालना चाहते हो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 30 डेज पर टैप कर देना है। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर 30 डेज की निकालना चाहता हूँ, तो मैं दोस्तों यहाँ पर 30 डेज पर टैप कर देता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कस्टम डेट्स। अगर दोस्तों, आप इस पर टैप कर देते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको फ्रॉम डेट एंड दोस्तों यहाँ पर टू डेट देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, फ्रेंड्स आप यहाँ पर 30 दिन से ज्यादा की कॉल डिटेल्स नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो कि 30 डेज देखने को मिल रहा है, 30 डेज पर टैप कर देना होता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर कॉल डिटेल्स को ईमेल पर सेंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो कि ईमेल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, इस पर टैप कीजिएगा। अगर दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कि डाउनलोड स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, इस पर टैप कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हाल ही में कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो की है व्यू स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, आप इस पर टैप कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको इनमें से तीन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होता है जो आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो की है व्यू स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे दोस्तों, आप इस पर टैप कर देते हैं, आपके सामने फिर से एक नया पेज, एक नया पॉपअप शो हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो कि ये देखने को मिल रहा है यूजर चार्ज, आपको दोस्तों इस पर टैप कर देना होता है। यूजर चार्ज पर टैप करने के पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो कि ये वॉइस देखने को मिल रहा है, आपको वॉइस पर टैप कर देना है। वॉइस पर टैप करने के पश्चात फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होता है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो कि क्लिक हेयर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर टैप कर देना होता है। जिससे दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर टैप कर देते हैं, ये देखेगा आप यूर सभी कॉल डिटेल्स निकल के आ जाती है जो कि आपने पिछले एक महीने में कर रखी होती है। फ्रेंड्स, आप इस तरह माय जियो ऐप से कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोग माय जियो ऐप से आउट गोइंग कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर इनकमिंग कॉल डिटेल्स नहीं निकाल सकते। दोस्तों, आप यहाँ पर 30 डेज से ज्यादा भी कॉल डिटेल्स नहीं निकाल सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।